Hello students, let's do question. So question is, which of the following provides mechanical support to the growing parts of the plants like young stem? पूछा गया है कि इनमें से कौन सा है जो कि मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जैसे कि यंग स्टेम हुआ. तो इनमें से स्क्लेरेंकाइमा, कॉलेंकाइमा, पैरेंकाइमा, फ्लोएम पैरेंकाइमा, इनमें से कौन सा है? ये जो कॉलेंकाइमा होता है, हमें पता है कि ये जो कॉलेंकाइमा है ये कैसा होता है, लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है. लिविंग मैकेनिकल टिश्यू, लिविंग मैकेनिकल टिश्यू जो कि मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है. इसकी अगर हम बात करें तो इनका कैरेक्टरिस्टिक कैसा होता है, जो सेल्स हैं इनमें उनका जो सेल वॉल में कॉर्नर में किसका डिपोजिशन होता है, वो थिकनिंग जो है वहाँ पर डिपोजिशन है किसका, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन. और इनके सेल जो है उनका शेप ओवल हो सकता है, स्पेरिकल हो सकता है, पॉलीगोनल हो सकता है, और इनमें क्लोरोप्लास्ट भी हो सकता है. अगर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं. और ये जो होते हैं मेनली किसमें हेल्प करते हैं, दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट, टू द ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट सच एज यंग स्टेम एंड पेटियोल ऑफ लीफ. तो अगर हम देखें यहाँ पे करेक्ट अप्रोप्रिएट कौन सा है, ये कॉलेंकाइमा अप्रोप्रिएट होगा यहाँ पे, स्क्लेरेंकाइमा नहीं. ये जो होता है ये डेड मैकेनिकल टिश्यू है. और यहाँ पूछा है जो ग्रोइंग पार्ट जैसे कि यंग स्टेम हुआ, तो इनमें अगर हम देखें तो यहाँ पे कौन इन्वॉल्व है, यहाँ पे मैकेनिकल सपोर्ट कॉलेंकाइमा जो है ये ज़्यादा यहाँ पे अगर हम देखें एक तरह से अप्रोप्रिएट है, तो ये करेक्ट आंसर है. पैरेंकाइमा जो हुआ ये भी गलत है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये जो ग्रोइंग पार्ट में यंग स्टेम एंड पेटियोल ऑफ लीफ अगर इनकी बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि मेनली जो है यहाँ मैकेनिकल सपोर्ट कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये जो है कॉलेंकाइमा कर रहा है, पैरेंकाइमा तो नहीं, फ्लोएम पैरेंकाइमा भी गलत दिया हुआ है. करेक्ट आंसर वुड बी द सेकंड वन. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.